नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में देखो 6 देश शामिल हैं। कुवैत है, लोकेशन आप देख लीजिए सबकी, यहां पर कुवैत है, ये बीच में सऊदी अरेबिया है, ये यमन है। यमन मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, यानी GCC का। अभी फिलहाल यमन में सिविल वार चल रहा है। यहां पे ये ओमान है, ये UAE है, ये छोटा सा देश कतर, और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देश है बहरीन। ये डॉट आपको दिखेगा, ये डॉट जो है वो बहरीन है। अब आप बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिएगा। कतर के खिलाफ ब्लॉकेड लगा के रखा है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाई कंट्रीज ने। ब्लॉकेड मतलब आसपास के एरिया से कोई शिप नहीं जा सकता कतर की तरफ, और कतर से सिप नहीं जा सकता दूसरे इलाकों में। रीजन्स क्या दिए गए हैं ब्लॉकेड लगाने के लिए सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाई कंट्रीज के लिए? सबसे पहला रीजन, कतर जो है वो टेररिज्म को फंडिंग देता है। अल जजीरा न्यूज चैनल सऊदी अरेबिया को गलत लाइट में प्रेजेंट करता है, और इसी न्यूज चैनल को फंडिंग दी जाती है कतर के द्वारा। इसके अलावा ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करके रखे हैं कतर ने। सऊदी अरेबिया चाहता है कि कतर ईरान के साथ रिश्तों को कट करें। और भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, जैसे टर्की एक मिलिट्री कैंप इस्टाब्लिश करेगा कतर के अंदर। सऊदी अरेबिया ने मना किया था कि आप टर्की को अलाउ मत कीजिए अपने देश के अंदर मिलिट्री कैंप को इस्टाब्लिश करने के लिए। इवन कतर मदद करता है हमास को। हमास आपको पता है गाजा पट्टी में ऑपरेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा बार बार अटैक किया जाता है इसराइल के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को लेके सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाई कंट्रीज के कंसर्न हैं, इसलिए पिछले साल ब्लॉकेड लगाया था, अभी तक वो ब्लॉकेड लगा हुआ है। ये ब्लॉकेड लगाया गया था कतर को आइसोलेट करने के लिए। लेकिन ओमान और कुवैत, ये जो देश हैं यहाँ पे देखो, ये ओमान है और ऊपर कुवैत है, इन देशों ने सऊदी अरेबिया के इस ब्लॉकेड को मानने से इनकार कर दिया। कुवैत ने तो मध्यस्थता की कोशिश की, यानी कुवैत ने मीडिएशन की कोशिश की, किसी ना किसी तरीके से बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन निकले और दोस्ती करवा दी जाए सऊदी अरेबिया और कतर के बीच। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि कुवैत के साथ रिश्ते खराब हो गए सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस गए थे 2 दिनों की यात्रा पर कुवैत में, लेकिन कुछ ही घंटों में वो वापस आ गए। रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच। अब जबकि देखो, जमाल खशोगी जर्नलिस्ट जिनकी हत्या करवाने का आरोप है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, वो इस सिचुएशन में कतर के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने तारीफ़ की कतर की इकोनमी की तारीफ़ की। ऐसा लगने लगा कि जो बर्फ़ जमी हुई है कतर और सऊदी अरेबिया के बीच, वो बर्फ़ अब पिघलेगी। उसके बाद इनिशिएटिव लिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा और बुलाया कतर को कि आप आइए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन कतर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया पहले आप ब्लॉकेड तो हटाओ, आपने ब्लॉकेड लगा रखा है हमारे आसपास और कोई शिप आ नहीं सकता, हमारी तरफ जा नहीं सकता, पहले आप इस ब्लॉकेड को हटाओ, फिर जाके हम आपसे बात करेंगे। इवन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो कार्टल है, उस ओपेक से भी कतर ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 2019 से कतर जो है वो मेंबर नहीं रहेगा ओपेक का। जब से देखो ओपेक का निर्माण हुआ है 1960 में, तब से अभी तक कोई भी अरब कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकला है। हाँ, इंडोनेशिया जरूर निकला है, लेकिन इंडोनेशिया एक अरब कंट्री नहीं है। तो आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं मिडिल ईस्ट में, इंस्टेबिलिटी है, और देखेंगे आगे आगे होता है क्या, कैसे कतर के
रिश्ते सेप लेते हैं बाकी देशों के साथ। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने इनवाइट किया कतर को और कतर ने जीसीसी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इससे तो सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा कम हुआ है। ऑलरेडी देखो ओमान जो है, ओमान बात मानता नहीं है सऊदी अरेबिया की, ओमान कतर के साथ भी रिश्ते मेंटेन करता है और ईरान के साथ भी, और अब कतर की फॉरेन पॉलिसी भी और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी जिस हिसाब से आइसोलेट करने की कोशिश की गई है कतर को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। चलते हैं आगे, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।